ये सेकंड मई की बात है, जब एक बीजेपी का कॉन्फ्रेंस हुआ था ले में। तो जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुआ तो एक एमएलसी, जो बीजेपी के एमएलसी है, इन प्रेजेंस ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट और बाकी और लीडर्स भी थे, तो उनके प्रेजेंस में हमें एक एनवलप दिया चार जर्नलिस्ट को। तो जैसे हमारे पास एनवलप पहुंचा तो हमने पूछा, सर इसमें क्या है? तो उन्होंने बोला कि अभी मत खोलिए, आप बाद में खोलिए, इट्स जस्ट अ टोकन ऑफ लव। तो जैसे मैंने फील किया उस एनवलप को, थोड़ा सा थिक लग रहा था, तो जैसे मैंने ऐसे करके देखा तो उसमें 500 के काफ़ी सारे नोट्स थे। तो जैसे देखा मैंने उनको वापस किया, उन्होंने लेने से मना कर दिया, फिर मैंने टेबल पे रख दिया। तो ये है, और उस टाइम जो है इलेक्शन के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी इम्प्लीमेंटेशन में था। तो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट, हमारा ड्यूटी ये था कि उसको हम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को इन्फॉर्म करें और रिपोर्ट करें कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, तो हम जो कि हमने किया। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट नहीं है, हम किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं है। ये हमारा जो फाइट है, हमारी जो लड़ाई है, वो जो सोसाइटी में गलत चीज़ हो रहा है उसको हाईलाइट करना था, जो कि हमने किया। बाकी अब इसके आगे क्या होगा ये कोर्ट तय करेगा, ये कंसर्न्ड ऑफिसर्स तय करेंगे कि आगे क्या होगा। जो सेकंड में जो यहाँ पर एक बीजेपी की तरफ से एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गया तो सब लोग हम उठ के जाने लग गया, लेकिन मैं थोड़ा आगे था। हमारे चार जो मेंबर्स को उन्होंने कुछ लिफाफा थमा दिया, तो हमारे एक मेंबर्स को शक हुआ ये मोटा सा लिफाफा क्या है। तो जैसे उन्होंने लिफाफा का ढक्कन खोल के जैसे अंदर झाँका तो उसमें सारे बहुत सारे 500 के नोट्स थे, बोला। तो एकदम से उन्होंने बोला, और विक्रम सिंह रंधावा जो वहाँ पर थे और जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना भी थे, तो उनके प्रेजेंस में विक्रम सिंह रंधावा ने ये एनवलप दिया। जैसे हमारे मेंबर्स जो जनरल लद्दाख जर्नलिस्ट यूनियन का जो हमारा प्रेसिडेंट ने रिंचे नामो उनके हाथ में आया, तो उनको सस्पिशियस हुआ, तो उन्होंने तुरंत वापस किया। तो उन्होंने वापस नहीं लिया कि वापस नहीं लिया तो उन्होंने ज़बरदस्ती टेबल पर रख दिया। तो उसी वक्त हम सबको भी पता चल गया ये पैसे दे रहे हैं। तो हमारे जो जनरल सेक्रेटरी है प्रेस क्लब का छः, और एक दिन उन्होंने बोला कि आपने बहुत गलत किया, तो उस वक्त उन्होंने बोला कि आपको भी मिलेगा। तो इससे हमें बहुत शौक हुआ, बहुत ठेस पहुंचा प्रेस क्लब ले को, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कोई कल्चर नहीं था। मैंने विक्रम जी को बताया था कि आपने ऐसा बहुत गलत किया, इससे लोगों को हमारे जो प्रेस क्लब छोटा सा है उसको बहुत ठेस पहुंचा। तो उन्होंने बोला ये हर जगह चलता है, जम्मू में भी ऐसे चलता है, बोला। तो मैंने बोला जम्मू में चलता होगा, कहीं भी चलता होगा, हमारे यहाँ नहीं चलता है, बल्कि हमने उसी वक्त हमने वहाँ रख दिया। उसके बाद हम डिप्टी कमिश्नर मैडम अवनी लवासा जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है, उनको हमने शिकायत किया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत इन्होंने वायलेशन किया और मीडिया को पैसा दिया बोल के शिकायत किया, और उन्होंने शायद इंक्वायरी करके ऑनरेबल कोर्ट में दे दिया है। शायद हमें उम्मीद है कोर्ट पुलिस को डायरेक्शन देंगे ऑनरेबल कोर्ट कि इस पर जो भी होगा आगे निकाल के आने। लद्दाख की सीट पर जो बीजेपी ने नंगा नाच खेला है, पैसा ओपनली बांट बांट के, और दूसरी पार्टियों को एक पर्टिकुलर एरिया में आने से जो प्रतिबंध लगाया है उसको हम कंडेम करते हैं, और साथ में इलेक्शन कमीशन से अपील करते हैं कि वो उन चीज़ों का जायज़ा लेकर यहाँ उस जनस्कार वैली में दोबारा चुनाव करवा ले, ताकि सारे पोलिटिकल पार्टीज़ इंडिपेंडेंट दूसरे पार्टीज़ वहाँ जाकर अपनी बात रख सकें।